सो ये फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सर्थल यात्रा। आज सो फ्रेंड्स, मैं ओवी का ब्लॉग बना रही हूँ। आज ओवी की दांत के मुंडन में आई है। सो फ्रेंड्स, आज मेरी जीजी के बेटे के मुंडन है, तो अभी बस मुंडन ही के लिए हम सर्थल जा रहे हैं। और ये है गाड़ी। बस उधमपुर से यात्रा निकल ही रही थी, तो तभी सारे डांस कर रहे थे, धूम मचा रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये देखो डांस। तो ये देखिए, एक बीच रास्ते में मॉडल खड़ी हुई है, फोटो शूट कर रही है। हम फाइनली डोडा पहुंच चुके हैं। डोडा से भी लोग क्यों आ रहे हैं भाई? डोडा से भी नहीं लोग चढ़े हैं, एंड कहीं आधे उधमपुर से थे आधे। देखो ये मेरे फैंस है, तो करेंगे क्या? तो गाड़ी में अभी ये बाइक से बोल रहे हैं। तो अभी हम मंदिर में रुके थे, ब्रेक लिए, खाना खा रहे थे यार। इतने सारे लोग, और उधर वो मंदिर है शिव जी भगवान का, हम उधर सो के आए हैं। नहीं कर यार, और ये ऊपर इतना बड़ा मंदिर, ये मम्मा, ये दीदी, कुए, और ये। तो फ्रेंड्स, अभी हम इधर बॉर्डर पे रुके हैं, और अभी हम जाएंगे और स्नो बढ़िया बहुत सारा। चलो छुट्टियाँ हो गया। तो मैं दीदी को ज़बरदस्ती ले रही थी पानी के पास, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था ना, तो इसलिए मैं उसको ले रही थी कि चल चल, तू मेरे साथ चल ही चल। तो हम उस पर उस बेचारी को उसको सुनने के लिए पानी डाल के प्रैंक करना है। और देखो इतना डर भी लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा पानी था। देखो हम लोग कैसे भागे, और हम भी हम ना जॉगिंग कर रहे हैं पानी के बीच पे। माउंटेन्स पे स्नो थी, तो ये पानी बहुत चिल्ड आ रहा था, इसलिए ज़्यादा देर हम पानी में पैर नहीं रख पाए। तो मैं बाहर ही जाके तो इसलिए अब रिया और मैं जा रहे थे बस में, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था, तो हम बीमार हो जाते और फिर फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते। ये देखो गीतांज को कैसे डांस करा रहे हैं उसके चाचू। तो देखो, जब हम शाम को पहुँचे तो वैसे वैसे हम थोड़ा डांस भी हो रहा था। रात के 12 बज गए थे, तो पता है आपको, सूर्य मेरे डांस कर रहा था, तो सारे रास्ता उठे और डांस करने लगे। एक उठती है ना कोई जानी, सारे फ्रेंड्स हम लग जाते हैं। फिर मैं भी बीच में घुस गई नाचो नाचो करने के। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज गए, हमें जल्दी इतना उठा। दीदी आपको ये लाना पड़ेगा, आपको मम्मा के साथ। ये तो एक ना सीक्रेट बात है, जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये मेरे बहन ने ही कांड किया था, आपको पता है। तो उधर ना सुबह सुबह 2 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसलिए मैं गुस्सा थी। एक तो पहले 4 बजे उठाया, फिर बोलते सो जाओ बच्चे, 7 बजे उठ जाना। हम 7 बजे उठ के फिर, और 2 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ठंड लग रही थी ना, दीदी ने फ्रॉक पहनाई। और फाइनली हम फिर जाने लगे मंदिर की, और पहले हमने प्रसाद लिया। दुकानें तो बहुत सुबह सुबह खुल गई थी, मैंने सुबह सुबह शॉपिंग भी कर लिया। तो ये देखो, दीदी के सारे रिलेटिव्स मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुके सुबह सुबह। और ये देखो, दीदी भी प्रसाद लेके रेडी हो चुके हैं, सारे रिलेटिव्स भी हो चुके हैं। तो ये देखो, मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दीदी और जीजू जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और मैं बाद में गई ना। अभी हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और उसके सामने मंदिर है। अभी वो सोया हुआ है जिसके मुंडन है, वरना मैं दिखाती हूँ, बहुत प्रीटी लग रहा है वो, येलो येलो बन गया पूरा लड्डू। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो अभी आगे जा रहा है, पता क्या, मैंने ना अपना ड्रेस लाया था, जो भी था वो, लेकिन इतनी
जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, रात को बहुत प्रीटी था, सुबह तो अति प्रीटी हो गई है। और जी और इधर अभी लाइन लगी हुई है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मंदिर है, तो ये देखो दीदी और जीजू मंदिर के सामने प्रसाद लेके खड़े हो चुके हैं। एंड फाइनली क्योंकि बड़े वाले मंदिर में बहुत भीड़ है। देखो देखो गीतांश अपनी दादी की गोदी में कैसे बैठा हुआ है और उसके चाचा ने उसको अच्छे से सवार बेचारा कितना ज्यादा रो रहा है, डर रहा है, हम क्या कर रहे हैं बेचारा, वहीं कर रहा है। देखो पीछे दीदी और जीजू का फोटोशूट चल रहा है और यहाँ पे दादी मेरे को कंजक पूज रहे हैं। तो सारी फैमिली अब डांस कर रहे हैं क्योंकि गीतांश के फैमिली मुंडन हो चुके हैं, तो गीतांश की खुशी में सारे डांस कर रहे हैं और दीदी भी मेरी डांस कर रहे हैं। अब मेरा गप्पू भी आ चुके हैं, गीतांशु भी आ चुके हैं डांस करने फिर चाचू के साथ और उसकी मम्मा भी। ये देखो मेरी दादी भी डांस कर रही है, बुआ भी डांस कर रही है। उसके बाद जाते बाद भी मैं मम्मा दादी भैया फिर से जाते बाद दर्शन करने गई और इसमें भी हमने पहले भी किया, दूसरी बार भी कर रहे थे और थोड़ी मस्ती भी कर ली ना। तो अब दीदी भी एंटर हो चुकी है, जैसे कि अब हम इस जगह को बाय बाय कर रहे हैं। तो हम शॉप आए थे, हमें कोन खा रही और दीदी ने त्रिकोण और ले लिया आगे पीछे का। ये लास्ट देख लो आप, ये सुंदर सा व्यू, इसमें चढ़ते हैं। यस, पिछले वाले दरवाजे से हम चढ़ गए। तो अभी बस से भी उतर के दोबारा से लास्ट बार डांस हो रहा है और रिया ना गीतांश को भी डांस करवा रही है और मम्मा देखो यहाँ पे प्रो लेवल पे डांस कर रहे हैं। मेरी बुआ भी डांस कर रही और मेरी दादी भी। गीतांश ने ना डोडा ही रहना था इसलिए हमने उसको हमें उसे बाय बोलना पड़ा। मैं तो खाली बस में लेट लेट के वजह कर करके डांस कर रही हूं। सो फ्रेंड्स अभी वो थक गई है और मैं राजमा चावल खा रही हूँ, बहुत भूख लगी इसलिए। और ये चटनी अभी सारे भैया ने फिनिश किए, गोकुल भैया ने भी और हमारे मामू दीदी दिए, हमारा मीन्स ये जो भी है यार खाना ढाबा जो भी है वो उधर है, मैंने ये भी ले लिया। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ओके बाय। गुड नाइट, मिले तो गुड नाइट ही हो रही थी तभी।